देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना नाम अब फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में दर्ज करा लिया है। जी हाँ, भले ही कंपनी का प्रदर्शन शेयर मार्केट में कुछ खास नहीं रहा हो, लेकिन LIC ने इस सूची में रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि इस बार लिस्ट में भारत की 9 कंपनियों का नाम शामिल रहा। इनमें से 5 कंपनियां सरकारी जबकि 4 कंपनियां प्राइवेट हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट कंपनियों को 31 मार्च 2022 या उससे पहले खत्म हुए वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू के बेस पर तैयार की जाती है। इसमें LIC को 98वां स्थान मिला। कंपनी करीब 97.27 बिलियन डॉलर रेवेन्यू और 553.8 मिलियन डॉलर प्रॉफिट के साथ भारत में पहले पायदान पर रही। वहीं ग्लोबल आधार पर रिलायंस को 93.98 बिलियन डॉलर रेवेन्यू और 8.15 बिलियन डॉलर नेट प्रॉफिट के साथ 104वां स्थान मिला। वैसे तो इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले 19 साल से लगातार शामिल होती जा रही है, लेकिन अगर रैंकिंग की बात करें तो पिछले साल की तुलना में कंपनी की रैंक 51 पायदान सुधरी है। वहीं इस लिस्ट में शामिल बाकी भारतीय कंपनियों की बात करें तो इसमें बैंकिंग सेक्टर से सिर्फ SBI ने अपनी जगह बनाई है। SBI को 17 पायदान की छलांग लगाकर 236वीं रैंक मिली। वहीं टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स को 370वां और टाटा स्टील 435वें नंबर पर रही। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने 28 स्थान की छलांग लगाकर 142वां स्थान हासिल किया। वहीं दूसरी सरकारी कंपनी ONGC ने भी 16 पायदान के सुधार के बाद 190वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही BBCL की रैंकिंग में भी 19 पायदान का सुधार आया है, जिसके बाद कंपनी को 295वां स्थान मिला। बता दें कि लगातार 9वें साल अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने इस लिस्ट में टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर अमेज़न ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।